नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। जेके न्यूज़ नेटवर्क आपको एक ऐसे ग्राउंड के बारे में बता रहा है जहां कोविड पीरियड में भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं और उन्हें आगे भी खेलने की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि वो रणजी खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले और तमाम तरह के खेल जो हमारे सहयोगी विश्वजीत आपको चारों ग्राउंड में दिखा रहे हैं। कि विश्वजीत थोड़ा दिखाइए कि ग्राउंड में कैसे प्लेयर खेल रहे हैं और किस तरह से ये खेलने के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। और जो अनुशासन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो आप देखिए। और सबसे बड़ी खासियत इस ग्राउंड की ये है कि इस मैच में एक गर्ल्स भी खेल रही है और गर्ल्स जेके क्रिकेट एकेडमी में 2-3 अभी हैं जो जिनके गार्जियन बहुत ही मुश्किलात से, बहुत ही मतलब होप के साथ अपने बच्चियों को भी इस एकेडमी में भेज रहे हैं। यह एकेडमी हमारा अगड़ू रातू में है और इसका 3 सेशन शुरू होता है। एक सुबह जो है सो 5 बजे से आप 9 बजे तक इसका सेशन शुरू कर सकते हैं। फिर आफ्टरनून सेशन है जो 9 बजे से लेकर के आपका 2 बजे तक चलता है। फिर मिड सेशन है जो आपका 3 से 5 चलता है और जल्द ही हम लोग एक नाइट सेशन भी शुरू करने वाले हैं और इस नाइट सेशन में आपका 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चलेगा। और जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग अभी वेपर लाइट वगैरह भी लगाए हुए हैं और यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं बहुत ही उत्साहित है। और विश्वजीत जैसा ग्राउंड का जो क्राउड है, जिस तरह से ये बच्चे के आउट होने की खुशी है, लग रहा है कि मतलब सही में हम एक मैच खेल रहे हैं। और प्रतिदिन यहाँ अपने ही लोगों के बीच में एक अलग टीम बनती है और टीम का नाम भी रखा जाता है और वो टीम जो है सो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। लेकिन उसको यह भी देखा जाना चाहिए कि आखिर प्रतिस्पर्धा किस रूप में हो रही है। यहाँ मिलनसार स्वभाव के भी क्रिकेट प्लेयर हैं। तो आप अपने बच्चों को जेके क्रिकेट एकेडमी में भेज सकते हैं। उनसे यहाँ हमारे पास अजय यादव जो रणजी प्लेयर रह चुके हैं, संजीव सिन्हा पूर्व रणजी प्लेयर हैं, शब्बीर हुसैन भी आ रहे हैं, मोहम्मद नौशाद भी आते हैं और बहुत तरह के ऐसे कोचेज हैं जहाँ पे अच्छे कोचेज के द्वारा आपके बच्चों को क्रिकेट की बारीकियाँ सिखाई जाती है। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट से क्या फ़ायदा है वो तन के लिए, मन के लिए तंदुरुस्त होने की स्थिति में ये जेके क्रिकेट एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कांत सिंह है। जेके क्रिकेट एकेडमी में आप कब से जुड़े हैं? 3 साल हो गया मेरा। क्या आपको अंतर नज़र आता है यहाँ के कोचिंग में और बाहर के कोचिंग में? यहाँ सब तरह के कोच आते हैं, हम लोग सब तरह का जानने के लिए मिलता है। सब कोच आते हैं, अलग कोई मिलता है। किस तरह के खेल जो है सो किस तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाती है अन्य एकेडमी की अपेक्षा? यहाँ पे सब तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट का भी, स्टेट का भी, रणजी का भी, मतलब जितना आगे खेलेंगे सब तरह का मिलता है। और आप क्या चाहते हैं कि एकेडमी में किस तरह का और बदलाव होना चाहिए, ये भी आप बताइए। अभी तो कुछ नहीं, अभी सब कुछ मिल ही रहा है, जितना जो स्टेज में है वो अभी मिल ही रहा है, अब आगे जाएंगे तो फिर। आशा क्या है कि एकेडमी के द्वारा हम खेलेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे? एकेडमी के द्वारा खेलेंगे तो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, खेलते खेलते धीरे धीरे मेहनत करते जाएंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोंटी कुमार यादव। आप कब से जेके क्रिकेट के? मैं यहाँ 1 साल से जुड़ा हूँ और यहाँ पे तरह तरह के कोचेस हैं, जो अच्छे लेवल के कोचेस हैं जो हमें अच्छे ज्ञान देते हैं। अजय सर अच्छे लेवल के पिस बॉलर हैं, आलोक शर्मा जो अच्छे लेवल के बैट्समैन हैं। यहाँ पे अच्छा तरह से कोचिंग दिया जाता है और हमें यहाँ वे ऑफ क्रिकेट सिखाया जाता है। सुबह खाने से लेकर शाम को सोने तक क्या कैसे खाना खाना है, कैसे चाय पीना है, वहाँ तक हमें सिखाया जाता है। और यहाँ पे सप्ताह में 2 से 3 मैचेस मिलते हैं हमें, जिससे मैचेस कमी नहीं होता है, हमको अनुभव कोई कमी नहीं होता है। और यहाँ पे खेलने में लड़का लगता है कि सब आगे खेलेंगे, यहाँ पे ऐसा माहौल है ग्राउंड में। क्या यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी है? यहाँ का फैसिलिटीज़ सब अच्छे हैं, हॉस्पिटल है, इंडोर है, ग्राउंड है बड़ा। आप हॉस्टल में ही रहते हैं? हम हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में भी अच्छा फैसिलिटी है, बाथरूम, पानी का व्यवस्था सब ठीक है यहाँ पर।